हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इसके पहले इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में इलास्टिसिटी की बेसिक डेफिनेशन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, किस किस तरह के स्ट्रेस होते हैं, किस किस तरह के स्ट्रेन होते हैं और किस किस तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये सब लेक्चर नंबर 1 में कवर किया। तो अगर आपको ये देखना है तो YouTube पे टाइप करना है इलास्टिसिटी 01 फिजिक्स वाला। खैर, इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस के या बल्क मॉडुलस के या शेयर मॉडुलस के। बेसिकली उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यंग मॉडुलस के हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्या है IIT JEE 2013 और 2015 के सवाल भी डिस्कस किए। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो भाई साहब, मेरा नाम अलख पांडे, आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मेरा नाम अलख पांडे और आपका जो भी खूबसूरत सा नाम हो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आपका एक अद्भुत सा चैनल फिजिक्स वाला, जिसको अद्भुत आप ही लोग ने बनाया। चलिए बातें छोड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कर्व को बनाते वक्त, प्यारा सा कर्व बनेगा। तो मैं वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले रहा हूं, ठीक है। अभी 2015 जेई एडवांस में क्या किया, इस ग्राफ को पलट दिया था। खैर, हम पढ़ते हैं जैसे किताबों में दिया वैसे ही पढ़ते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जेई ने इसका उल्टा ग्राफ दे दिया, इधर स्ट्रेन और इधर स्ट्रेस। खैर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो बच्चों, ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ये एक बेसिक सा ग्राफ है और सभी एलिमेंट इस ग्राफ के आसपास होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ होगा श्योर नहीं है, और कुछ कुछ तो इस ग्राफ से बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखेंगे, एकदम अलग तरह का ग्राफ फॉलो करते हैं। हर मटेरियल का अपना ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस क्या होता है, किसी पे खींच कर फोर्स लगाना, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कि उसकी लेंथ कितनी खींची, कितना दबा, वॉल्यूम कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ, यही सब। तो ना स्ट्रेन मतलब होता है डायमेंशन कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमने देखा कि शुरुआत में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, क्या, तो जितना आप फोर्स लगाओगे यूनिट एरिया में उतनी लेंथ खींचती जाएगी, है ना। किसी वायर को आप पकड़ के जितना खींचोगे, जितना फोर्स लगाओगे, उतना उसका लेंथ बढ़ेगा। तो हमने देखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये लाइन थोड़ी ऐसी बनाना, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो हम लोग को सिखाया जाता था लाइन को ऐसे बनाना। अब आप लोग किताब में थोड़ा गलत बनाया रहता है, हमारा जो शिक्षक था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ये ना लाइन 45 डिग्री के एंगल पे मत बना देना, ये लाइन ऐसे बनती है थोड़ी सी स्ट्रेस की तरफ झुक के, ये नहीं कि एकदम 45 डिग्री पे। खैर, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ये पॉइंट ओ और इस पॉइंट को हमने बोला ए। ओ से ए तक बच्चों, ओ से ए तक हमने देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कई लोग कहते हैं कि ए पॉइंट का जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ठीक है, आप वो भी बोल लो, ठीक है। ए पॉइंट का जो स्ट्रेस है उस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्ट्रेस। क्या मतलब है, मतलब इस स्ट्रेस तक, मतलब इतनी फोर्स पर यूनिट एरिया तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, आगे प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। यार, और किसी चीज को खींचोगे, मैंने कई बार तुमको पिछले लेक्चर में बताया, मान लो अपने पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचो, जितना खींचोगे उतना एक्सटेंड होगा, यानी जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, पर बहुत ज्यादा खींच दोगे तो प्रोपोर्शनल नहीं रहता ना फिर। तो खैर, ये बात थी ओ से ए तक। एक और खास बात, ओ ए की, इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकालूं बच्चों, तो स्लोप आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई पे है स्ट्रेस, एक्स पे है स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोलते थे, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालूं तो मुझको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कहां से कहां, ओ से ए में, ओ से ए में अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एग्जाम में मान लो इसकी कुछ वैल्यूज दी है, इसकी कुछ वैल्यूज, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स रख देना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस। अच्छा, ए के बाद ग्राफ कुछ ऐसा बना, जरा ध्यान से देखें, ये एक जनरल ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ बना। इस पॉइंट को हमने बोला बी, इस पॉइंट को हमने बोला डी, और यहां एक पॉइंट को हमने बोल दिया ई। अब समझते हैं क्या क्या हुआ। ए से बी तक में हमने देखा, ए से बी तक में हमने देखा कि अभी भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तो है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लो आपने खींचा, खींचता, देखो स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन। तो ए से बी तक भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तो है, मतलब अगर बी पे मैं इस वायर को छोड़ दूं, मतलब स्ट्रेस लगाना बंद कर दूं, डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव कर दूं, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएगी, है ना। मतलब जितना भी आपने खींचा था, छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे स्प्रिंग या बॉडी पहुंच जाएगी। तो ये जो रीजन है बी तक का, अप टू बी, बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि बी पे होने वाले स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उस स्ट्रेस की वैल्यू को इलास्टिक लिमिट। खैर, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब कि इफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड अप टिल बी, वायर या मटेरियल जो भी कह लो, वायर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जैसा था वापस वैसा ही हो जाएगा, उसमें जो स्ट्रेन आया था वो स्ट्रेन डिसअपियर हो जाएगा। भाई डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो वापस पहुंच जाएगा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वापस अपनी स्टेट पे जा सके बॉडी, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ओ से बी तक इलास्टिसिटी तो है, पर ए से बी में आप देख रहे हो कुछ गड़बड़ी हो गई है। ए से बी में अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, अब स्ट्रेस थोड़ा सा लगाने पे स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेस देखो थोड़ा सा बढ़ाया, स्ट्रेस थोड़ा सा, स्ट्रेन भाग के बढ़ने लगा। तो हमने देखा ए से बी रीजन में, यहां लिख दे रहा हूं, ए से बी रीजन में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा थोड़े से स्ट्रेस में, थोड़ी सी फोर्स लगाने में वायर ज्यादा खींच जा रहा, कहां तक हुआ बी तक, पर बी पे फोर्स हटाने पे बॉडी वापस ओ पे पहुंच जाती है। तो ओ से बी तक के रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, ओ से बी तक, दिखाई पड़ रहा है ये चीज बोर्ड पे, हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। जल्दी से जरा बताओ क्या क्या होगा, ओ से ए तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल भी है स्ट्रेन के, ए से बी में थोड़े से स्ट्रेस में स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जल्दी खींचने लगा, है ना, खींच रहे थे पहले टाइम लग रहा था, बाद में जल्दी जल्दी खींचने लगा, थोड़े से स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन। पर चाहे ए की बात करें चाहे बी पे, अगर हम वायर को छोड़ेंगे तो वायर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि खींच के छोड़ा तो जिस पोजीशन में छोड़ा वापस वैसा ही कड़ा हो गया, होता है ना कई बार ऐसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो उसी स्टेट में रह जाती है, ऐसा बी तक नहीं होगा। तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़े हम, नोट कर लें, इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, कैसा दिन है, बहुत अच्छा, नोट कर लिया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिक लिमिट, बी को कई लोग यील्ड लिमिट भी बोलते हैं, बी को कई लोग यील्ड लिमिट भी बोलते हैं, यील्ड लिमिट, यहां पे यील्ड हो जाएगा, यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी, मिटा दो, ओके, क्यों खत्म हो जाएगी, आइए देखते हैं।
बी के बाद हमने देखा कि स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाने पे स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा स्ट्रेन बढ़ रहा, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ रहा. सो आफ्टर बी, आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस के लिए हमें लार्ज स्ट्रेन मिला, अपने आप वायर खींचने लगा बहुत तेजी से, थोड़ा सा फोर्स लगाया खूब खींच गया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये मिली कि अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं बची, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कंप्लीटली नहीं बची, थोड़ी सी है थोड़ी सी नहीं है. मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल पे भी हमें मिला इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन. मतलब मान लो यहां कोई पॉइंट है सी, ऐसी है रैंडम पॉइंट ले लिया सी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एक रैंडम पॉइंट सी. सी पे आते ही मैं स्ट्रेस फोर्स लगा रहा था, सी पे आते ही मैंने कहा अब मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, चलो मैं फोर्स लगाना छोड़ देता हूं, हाथ हटा लिया. हमने सोचा जैसे ही हाथ हटाएंगे वायर अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे जाएगा, वायर वापस कंप्रेस हो जाएगा, अगर खींच रहे थे, अगर कंप्रेस कर रहे थे तो इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, मान लो हम खींच रहे थे, तो हम खींच रहे थे सी पॉइंट पे हमने फोर्स हटाई तो हमें लगा वायर अपनी पोजीशन पे जाएगा, गया वायर पीछे गया, हमने खींच के छोड़ा वायर पीछे गया पर पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल स्टेट नहीं ले पाया, उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया, वो परमानेंट एक खिंचाव उसमें रह गया. आपने खींचा, मान लो आपने उसकी ओरिजिनल लेंथ से 5 सेंटीमीटर खींचा छोड़ा, आप सोचोगे वापस 5 सेंटीमीटर जाए, नहीं गया, 3 सेंटीमीटर वापस गया, 2 सेंटीमीटर का खिंचाव उसमें बना रहा. यानी यहां पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो वायर इस जगह पे पहुंचा, ओ पे नहीं ओ डैश पे. ये क्या मिल गया ओ डैश पे, इसको एक परमानेंट स्ट्रेन. वापस ये ओ पे नहीं गया, अगर ये वापस ओ पे जाता तो स्ट्रेन जीरो हो जाता. स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यानी वापस ओ पे जाता तो चेंज इन लेंथ जीरो हो जाती, जहां था वापस वहीं पर, वहां नहीं गया, थोड़ा सा उसमें क्या आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया. सो बी के बाद हमने देखा कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है. अब बी के बाद कहीं भी यहां पे कहीं पे भी आप मटेरियल को अगर फोर्स को हटाओगे, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स का रिमूवल करोगे, मतलब अपने स्ट्रेस को आप रिमूव करोगे तब भी स्ट्रेन रहेगा, एक परमानेंट स्ट्रेन. तो बी के बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है. इस प्रॉपर्टी को, जिसमें एक मटेरियल के अंदर परमानेंट स्ट्रेन रह जाए, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सोचो. प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को किसी तरह से खींच के छोड़ दो, क्या वापस जाता है, नहीं जाता, जिस शेप में छोड़ोगे उस शेप में रह जाएगा, स्ट्रेन परमानेंट हो जाएगा. तो बी के बाद के रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन. मैं मान रहा हूं इंटायरली प्लास्टिक नहीं है, वापस गया, पर बी के बाद के रीजन का नाम हमने रखा प्लास्टिक रीजन. तो बी से लेके डी तक हमको मिलता है प्लास्टिक रीजन. ठीक है, ये था इलास्टिक, इसके बाद प्लास्टिक, परमानेंट स्ट्रेन मिलने वाला है. फिर आप स्ट्रेस लगाते गए स्ट्रेन बढ़ता गया, अल्टीमेटली एक पॉइंट डी आया. डी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, डी इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ज्यादा स्ट्रेस आप इस मटेरियल पे नहीं दे सकते, इससे ज्यादा स्ट्रेस दोगे कटक गया मटेरियल, इससे ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो मटेरियल झेल नहीं पाएगा, तो इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रेस ये नहीं ले सकता. सवाल आया कि सर इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या हुआ, आपने इतना खींच दिया कि इसके बाद आपने स्ट्रेस हटा दिया. देखो यहां से स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू डी के बाद मैंने कम की, देखो कम हो रही है स्ट्रेस, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है. मतलब इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डी फॉर्मिंग फोर्स,
हम डिफॉर्मिंग फोर्स को कम कर रहे हैं, स्ट्रेस कम कर रहे हैं. वायर, मैं वायर बोल रहा हूं, फ्लोज लाइक लिक्विड. इतना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, देखो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, घट क्या रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस घट रहा है, और स्ट्रेन देखो स्ट्रेन तो इस एक्सेस पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है. मतलब ऐसे सोचो कि मेरे पास एक तार था, तुमने खींचा 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 खींचा, एक पॉइंट पर तुमने हाथ तो हटा दिया, फोर्स तो हटा दी, इतना खींच दिया है कि वो वायर पतला होता जा रहा है, लिक्विड जैसी हालत हो गई, इतना खींच गया है वो, है ना. इट स्टार्ट्स, वायर फ्लोज लाइक लिक्विड, एक लिक्विड जैसा फ्लो करने लगा. इतनी थिनिंग हो गई है वायर की, इतनी थिनिंग हो गई है, थिनिंग ऑफ वायर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो लिक्विड जैसा फ्लो कर रहा, इवन स्ट्रेस को हटा देने पे. मतलब एक बार डी पॉइंट आ गया तो मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट कर देगा लाइक लिक्विड. मतलब सॉलिड वाली प्रॉपर्टी भी चली गई, आपने इतना उसके मॉलिक्यूल्स को खींच कर दूर कर दिया है, इतना उसके मॉलिक्यूल्स को खींच कर दूर कर दिया है कि वो मटेरियल अब लिक्विड जैसा फ्लो कर रहा है, मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो गए. ये कहानी चलेगी 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 और अपने आप ई पॉइंट पे मटेरियल टूट जाएगा, है ना. देखो तुरंत नहीं टूटता है, किसी को खींचो 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 कट, कई चीजें टूट जाती हैं, ब्रिटल होती हैं बहुत, मैक्सिमम चीजें क्या होती है खींचने के बाद थोड़ा सा पतला टूट जाती है. ऐसे मैगी खाते हैं अपन, मैगी खींचो कभी देखो ये चीज पूरी दिखेगी, मैगी ऐसी खींचो ऐसे पतली हो जाएगी एकदम, फिर लिक्विड जैसी फिर टूट जाएगी. ई को हम बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट, ई को बोलते हैं रप्चर पॉइंट. एक्चुअली डी पे ही उसका फ्यूचर डिसाइड हो गया था कि टूटना तो है ही है. डी पे क्या आ गया था, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया था. अब इस यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, अगर इतना स्ट्रेस आपने लगा दिया है तो मटेरियल थिन होना स्टार्ट होगा और थोड़ी देर बाद ई पे टूट जाएगा. क्लियर है. बी पॉइंट क्या था हमारा, बी पॉइंट क्या था हमारा, बी पॉइंट थी हमारी इलास्टिक लिमिट. यहां तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बरकरार है. ए पॉइंट क्या था हमारा, ए पॉइंट क्या था हमारा, ए पॉइंट क्या था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ए पॉइंट क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ए पॉइंट की खास बात क्या है कि यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई. ठीक है, ए से बी में प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई पर अभी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है. सी पॉइंट से क्या हो रहा है, बी के बाद हमने देखा कि अगर फोर्स हटाते भी हैं तो परमानेंट स्ट्रेन, और डी पे टूट गया और ई पे रप्चर पॉइंट. क्लियर है. अब देखो मेरे पास दो रीजन है, मैं इन सबको मिटा दूं, इतनी इंफॉर्मेशन को नोट कर लो, फिर अपन दो रीजन पे डिस्कशन करेंगे. जो दो रीजन हमने बनाए हैं नोट कर लिया, बहुत बढ़िया. अब देखो मेरे पास दो रीजन है, एक है इलास्टिक रीजन, एक है प्लास्टिक रीजन. ओ बी इलास्टिक रीजन और बी से डी प्लास्टिक रीजन. अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लो अपने पास कोई डक्टाइल मटेरियल हुआ, ठीक है, या टेंसाइल मटेरियल हुआ, है ना, ऐसे मटेरियल जिनसे आप वायर्स बना सको, जिनको आप पतला पतला वायर में ढाल सको, मतलब खींच सको. तो बच्चों डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल वो होता है जिसके पास प्लास्टिक रीजन बड़ा हो, जिसके पास प्लास्टिक रीजन लार्ज हो, है ना, जो टूट ना जाए. आप खींचो ऐसा ना हो खींचते कटक से टूट गया. अब भाई किसी चीज को वायर बनाना है तो पतला करना होगा, तो जिसके पास एक बड़ा प्लास्टिक रीजन होगा वो एक डक्टाइल या टेंसाइल खींचने वाला मटेरियल, उसके पास स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींच सकते हैं उसको, ठीक है, टेंसाइल टेंशन को बेयर कर सकता है, खींच सकते हैं उसको टेंशन लगा. दूसरी चीज मान लीजिए मेरे पास कोई ब्रिटल मटेरियल है. ब्रिटल क्या होता है, जो बिस्किट जैसा हो, टूट जाए कटक कटक, मतलब जिसकी प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल हो, जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत ही स्मॉल हो, छोटा सा प्लास्टिक रीजन है, हमने ऐसे उस पर फोर्स लगाई तो कट से टूट गया. सो अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है तो वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा, बहुत देर तक ऐसे खींचता नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है खींच रहा है, ब्रिटल कटक से टूट जाएगा, किसी नए शेप में नहीं जाना चाहेगा, उसी शेप में रहेगा या तो टूट जाएगा, और ये तो नया शेप लेते जा रहे हैं. तीसरी बात, हमारे पास कोई इलास्टोमर है, ठीक है, इलास्टोमर है. इलास्टोमर क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे टिश्यूज हैं, इलास्टोमर,
इलास्टोमर जिसको मतलब खींचो तो उसको कोई दिक्कत ही ना हो, इनके पास होता है नो प्लास्टिक रीजन, दे डोंट हैव एनी प्लास्टिक रीजन, सिर्फ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है ना, दे ओनली हैव इलास्टिक रीजन, ठीक है, मतलब प्लास्टिक रीजन नहीं होने का मतलब कि यहां से बी होगा और यही बगल में डी पॉइंट होगा, ये बी ये डी, जैसे रबर है अपना, जैसे रबर है, रबर को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, खिंच रहा है खिंच रहा है, जहां छोड़ोगे वापस गया इलास्टिक रीजन, जहां से छोड़ा वापस गया इलास्टिक रीजन, एकदम टूटने वाला है, एकदम टूटने वाला है, इस पॉइंट पे भी रबर को अगर छोड़े तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, मतलब रबर मरते दम तक कैसा रहता है इलास्टिक, यानी रबर का जो डी पॉइंट है वो बी के जस्ट बगल में, उसका प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, रबर जस्ट टूटने वाला था, आपने उस इंस्टेंट पे भी उसको छोड़ा तो वो वापस जाएगा, और उससे थोड़ा सा आगे खींचा तो टूट गया, ये वाला रीजन नहीं है उसके पास कि खींच के छोड़ दिया तो नए शेप में रह गया, सो इनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। तो ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, ग्राफ की स्लोप से क्या मिलता है ये भी हम समझ गए, इतनी बातें हमको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको, बहुत अच्छे, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब आप क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो कर ही लोगे, है ना, ग्राफ देख के कोई पूछे आपसे कि भाई इसमें से कौन सा डक्टाइल है ना, डक्टाइल हो या मेलेबल बोले तो भी प्लास्टिक रीजन बड़ा हो, मेलेबल मतलब शीट्स बन सके, उसके लिए भी प्लास्टिक रीजन बड़ा होना चाहिए, तभी ठोक पीट के आप शीट में उसको ढाल सकते हो नए शेप में। अच्छा, अब इतनी बातों के साथ आइए हम सीधा क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका जेई एडवांस का उठा लेते हैं, अब आप मेलेबल डक्टाइल तो कर ही लोगे, एक जेई एडवांस का उठा लेते हैं, 2015 का सवाल, तो 2015 में हमसे क्या पूछा सवाल, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया दो मटेरियल पी एन क्यू का, और जिस स्टूडेंट ने बनाया उसने क्या गलती की, उसने स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, आईटी वाले हमसे बता रहे हैं कि जिस बच्चे ने बनाया उसने एक गलती की स्ट्रेन को वाई पे, कोई गलती गलती नहीं की आपको परेशान करने के लिए, सभी इन्होंने नाटक खेला है, और दो मटेरियल का बनाया है, पहला मटेरियल है पी ये है मटेरियल पी और एक है मटेरियल क्यू, पी का बनाया है और क्यू का बनाया है, ठीक है, अब हमारे पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्या सही है, और ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, मोर वन और मोर करेक्ट ऑप्शन, पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, पी इज मोर डक्टाइल, पी इज मोर ब्रिटल, अब दोनों तो सही हो ही नहीं सकते कभी भी, बी और सी, भाई जो चीज डक्टाइल होगी ब्रिटल हो नहीं सकता, यंग्स मॉडुलस ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू, चलिए अपने आप ट्राई करिए, बस इन्होंने एक्सिस चेंज की है बाकी कंसेप्ट वही है, एक बार सोच के करिए इसको आराम से, चलिए टाइम लीजिए, पॉज करिए, सोच के सॉल्व करिए, जल्दबाजी में नहीं, चलिए कर लिया, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, कर लिया कर लिया कर लिया, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी, दोनों सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, देखें कैसे हुआ, चलिए डी से स्टार्ट करें, गामा ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू, बच्चों इस ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिलने वाला है, ग्राफ की स्लोप है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, है ना, यानी ये वन बाई गामा देगा, पी की स्लोप बड़ी है, दिख रहा है पी का एंगल बड़ा है, तो पी का वन बाई गामा बड़ा होगा मतलब पी का गामा छोटा होगा, क्लियर है ना, इतनी बात, उल्टा बनाते तो शायद बात सही होती है, ग्राफ की स्लोप से क्या मिल रहा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस मतलब वन बाई गामा, आपको दिख रहा है किसकी स्लोप बड़ी है, बोलो किसकी स्लोप बड़ी है, स्लोप डेफिनेटली पी की बड़ी है क्यू से, है
है ना, पी का देखो एंगल ज्यादा है, मतलब 1 बाई गामा पी का बड़ा है किससे, 1 बाई गामा क्यू से, तो गामा तो किसका बड़ा हो जाएगा, क्यू का बड़ा हो जाएगा पी से, है क्लियर है ना, क्लियर है ना। अगर इस तरफ स्ट्रेस होता इस तरफ स्ट्रेन, तब स्लोप गामा देती और पी का गामा ज्यादा होता। तो खैर यहां से ये आर्ग्यूमेंट तो चला गया, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, गामा ऑफ पी इज लेस। फिर है पी इज मोर ब्रिटल, बच्चों ब्रिटल होने के लिए क्या होना चाहिए, छोटा सा प्लास्टिक रीजन। मेरे ख्याल से यहां पे इलास्टिक रीजन खत्म होता है, यहां पे इलास्टिक रीजन इसका भी करीब करीब खत्म, या यहां मान लो यहां खत्म होता है, ठीक है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये इलास्टिक लिमिट, इसकी ये इलास्टिक लिमिट। मुझे दिख रहा है इसके पास ज्यादा बड़ा प्लास्टिक रीजन है, इसके पास कम, भाई जिसके पास ज्यादा, इसके पास छोटा प्लास्टिक रीजन है तो क्यू क्या होगा, ब्रिटल होगा, इसके पास बड़ा प्लास्टिक रीजन है तो ये क्या होगा, डक्टाइल होगा या टेंसाइल होगा। इसका प्लास्टिक रीजन दिख रहा है काफी बड़ा, इसका प्लास्टिक रीजन छोटा सा, सो पी इज मोर ब्रिटल गलत, क्यू इज मोर ब्रिटल, पी इज मोर डक्टाइल ट्रू, पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ ट्रू, तो ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, एक स्ट्रेच्ड वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसको कंपेयर करेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग से, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर से। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।